इनके समय ऐसे आदर्श कायम होता था, एनडीए के समय ऐसे आत्मनिर्भर भारत। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिसत जो लोक जागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संकेत, तेज प्रताप महाजगवंतन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करे बिनु आतुर। चलिए पूर्ण कीजिए। आज जो लोग जो है सावरकर जी को गाली यहाँ पर देते है, बड़ा बुला कहते हैं, और उसके साथ में जो है आज उनके गोदी में जाकर बैठने का काम जो है, ये पाप जो है कुछ लोग यहाँ पर कर रहे हैं। अडला हरी गाड़वाचे पाय धरी, इसका मजबूरी इंसान को क्या क्या करने पर मजबूर कर देती है। लेकिन ये जो विपक्ष है, ये विपक्ष नहीं, ये अलायंस नहीं, ये विनाश का गठबंधन है। यहाँ पर सिर्फ एनडीए वर्सेस इंडिया की लड़ाई नहीं है, बल्कि स्कीम वर्सेस स्कैम की लड़ाई है। यहाँ पर गए अनेक यूपीए 1 और यूपीए 2, और उसी के साथ में गए 10 साल में एनडीए के अलायंस में हमने जो उपलब्धियां यहाँ पर हासिल की, और इनकी जो उपलब्धियां है वो मुझे, मेरे पास जो है ए से जेड तक जो है यहाँ तक इसकी सूची है। इनके समय ऐसे आदर्श कायम होता था, एनडीए के समय ऐसे आत्मनिर्भर भारत। बी से बोफर्स कैम, यहाँ पर बी से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सी से कॉमनवेल्थ गेम्स, यहाँ पर सी से क्लीन एयर प्रोग्राम। डी से डीएलएफ लैंड ग्रैब्स केस, यहाँ पर डी से डिजिटल इंडिया। ये ई से ईपीएफओ स्कैम, यहाँ पर ई से एनर्जी रिफॉर्म्स। एफ से फॉर्डर स्कैम, और यहाँ पर एफ से फेम स्कीम। जी से 2G स्कैम, यहाँ पर गोकुल मिशन, और एच से हर्षद मेहता स्कैम, और यहाँ पर हाउसिंग फॉर ऑल। ऐसी बड़ी सूची है, ये जेड तक है सूची, अगर ये भूल गए रहेंगे, आज बैठे नहीं यहाँ पर। आज यहाँ पर मणिपुर की बात हो रही है, मणिपुर में जो हो रहा है हम सबके लिए चिंता का विषय है, इसकी हम निंदा करते हैं, और इस पर गंभीरता से विचार होना जरूरी है और कार्रवाई भी होनी जरूरी है। विपक्ष सिर्फ मणिपुर पर राजनीति करना चाहता है। 2014 तक नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों में से 4 राज्य में कांग्रेस की सत्ता थी, और 1 राज्य में जो है लेफ्ट की सरकार थी। आज तकरीबन सारा नॉर्थ ईस्ट जो है वो एनडीए के साथ है, क्योंकि कांग्रेस नॉर्थ ईस्ट के बारे में कभी गंभीर नहीं थी, इसलिए कांग्रेस को छोड़कर जो है एनडीए मोदी जी का हाथ जो है नॉर्थ ईस्ट ने थामा। आज वहां पर केंद्रीय मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, इस नॉर्थ ईस्ट में जो है 50 से ज्यादा बार जो है वहां पर जा चुके। यहां पर नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा पीस अकॉर्ड हो 2019, बोडो पीस अकॉर्ड हो 2020, ब्रू रिहैबिलिटेशन अग्रीमेंट हो, आसाम मेघालय बाउंड्री अग्रीमेंट हो, ये सब बड़े कार्य जो है 2014 से 2023 के बीच में जो है सरकार ने किए। यहाँ पर डेवलपमेंट का अगर विषय ले तो 2014 से 2019 मात्र 5 सालों में यहाँ पर 2731 किलोमीटर की राष्ट्रीय राजमार्ग जो है यहाँ पर बनाए गए, और 2009 से 2014 10 सालों में मात्र 1000 किलोमीटर के मार्ग यहां पर बनाए। यहां पर 65 सालों में सिर्फ 9 एयरपोर्ट थे 7 राज्यों के लिए, इसकी संख्या बढ़कर जो है आज 16 हो गई है। 2014 से पहले यहां पे रेलवे बजट का आवंटन सिर्फ 2000 करोड़ था, लेकिन आज जो है इसका 10,200 करोड़ का रेलवे आवंटन जो है बजट जो है इसका है। ये आंतरिक सुरक्षा के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर मुझे लगता है कि जिन्होंने इस देश पर 65 साल तक राज किया, यूपीए कार्य में 10 सालों में जितने आतंकी हमले यहाँ पर हुए, मुझे लगता है कि हर एक बड़ा शहर जो है यहाँ से यहाँ पर उसके ऊपर जो है आतंकी हमले हुए। 2006 में मुंबई ट्रेन बम विस्फोट हो,
यहां पर गौरव गोगोई जी बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री जी मौन है। मैं पूछना चाहता हूं, गौरव जी को यहां पर नहीं है वो अभी, कि 2006 में मुंबई में ट्रेन विस्फोट हुआ तभी कौन मौन था, 2008 में जयपुर बम विस्फोट हुआ तभी कौन मौन था, यहां पर 2008 में बैंगलोर में सीरियल ब्लास्ट हुए तभी कौन मौन था, यहां पर 2008 में मालेगांव बम विस्फोट हुआ तभी कौन मौन था, यहां पर मुंबई में जो फाइनेंशियल कैपिटल है वहां पर 26/11 हुआ तभी कौन मौन था, और 2010 में पुणे में जर्मन बेकरी हुई तभी कौन मौन था, और 2013 में हैदराबाद में बॉम्ब ब्लास्ट हुए तभी कौन मौन था। ये जवाब भी जो है मुझे लगता है तभी कौन मौन था, सिर्फ रिटेलिएशन के नाम पर जो है हमेशा चिट्ठी लिखकर जो है अपनी नाराजगी प्रकट कर देते, लेकिन जब ये पुलवामा हुआ तभी बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके जो है मोदी जी ने उत्तर दिया, जब ये उरी हुआ तभी सर्जिकल स्ट्राइक करके जो है मोदी जी ने यहां पर दुश्मनों को उत्तर दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी चिट्ठी और मैसेज के दिन खत्म हो गए, अभी कुछ करेंगे तो सीधे मिसाइल आएगी। आज यहां पर मनीष तिवारी जी नहीं है, मनीष तिवारी जी ने अपने बुक में लिखा था 26/11 के बारे में, फॉर अ स्टेट दैट हैज नो कंपंक्शंस इन ब्रूटली स्लॉटरिंग हंड्रेड्स ऑफ इनोसेंट पीपल, रिस्ट्रेंट इज नॉट अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ, इट इज परसीव्ड एज अ सिंबल ऑफ वीकनेस, देयर कम्स अ टाइम व्हेन एक्शन मस्ट स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, 26/11 वाज वन सच टाइम व्हेन इट जस्ट शुड हैव बीन डन। ये खुद ही कह रहे हैं कि हमने कुछ किया नहीं, तो आज इनको जो है मोदी जी को ये सवाल पूछ रहे हैं कि मोदी जी जो है मौन है। आप मुझे लगता है कि आज देश जो है मोदी जी के हाथों में बहुत सुरक्षित है, इसलिए पूरे विश्व में यह संदेश गया है कि मोदी सरकार आतंकियों के सामने जो है झुकने वाली नहीं है। यहां पर गए 9 सालों में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ मैं यहां पर बताना चाहूंगा। गए 9 सालों में जो है नेशनल हाईवेज 54,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे जो है बनाए गए, एयरपोर्ट्स की संख्या जो है 74 से बढ़कर जो है 148 हुए, रेलवे जो है 1218 रेलवे स्टेशन के अपग्रेडेशन हुए, वंदे भारत जो है ट्रेन यहां पर शुरू हुई, स्मार्ट सिटीज बनाए गए, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत जो है महिला सम्मान को देखते हुए हर घर जो है शौचालय बनाने का काम यहां पर किया, और स्वतंत्र के बाद आज तक लोगों को नल से जल नहीं मिल रहा था, लेकिन आज जो यहां पर जो है लोगों को हर घर जो है नल से जल देने का काम जो है यहां पर सरकार कर रही है। आयुष्मान भारत हो और कोविड में जो है 2 बिलियन वैक्सीनेशन जो है इस देश में कराए गए, और मैत्री के अंतर्गत जो है बाकी देशों में भी जो है 29 करोड़ वैक्सीन जो है मोदी जी ने भेजे यहां पर। आज हमारी इकोनॉमी जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और डिजिटल ट्रांजेक्शन्स में जो है 40% हमारा हिस्सा है, स्टार्टअप में 108 नए यूनिकॉर्न्स यहां पर बने हैं, FDI में भी नंबर आगे है। तो ये जो है ये उपलब्धियां जो है गए 9 वर्षों की है। मैं कुछ अभी महाराष्ट्र से आता हूं, मुंबई से आता हूं, कुछ महाराष्ट्र की बात यहां पर करूंगा कि किस प्रकार से जो है महाराष्ट्र में गए 2.5 साल में जब ही सरकार थी तो किस प्रकार से काम जो है यहां पर हो रहे थे, किस प्रकार से जो है वो केंद्र के सभी प्रोजेक्ट जो है यहां पर रोकने का काम जो है यहां पर गए 2.5 साल में जो है ये सरकार कर रही थी। बुलेट ट्रेन हो, मेट्रो हो, इनके खुद के सरकार में मुंबई नागपुर जैसा महामार्ग हो उसको भी रोकने का शुरुआत के कालों में जो है इन्होंने कोशिश की। कारशेड जो है यहां पर मुंबई में कारशेड एनवायरमेंट के नाम पर जो है कारशेड बनने इन्होंने दिया नहीं, और आज वो कारशेड जो है आरए में नहीं बनने के कारण 10,000 करोड़ जो है ज्यादा लागत जो है आज मेट्रो में लगने वाली है। ये किसके
किसके जेब से पैसे जाने वाले, किसके जेब से पैसे जाने वाले, जो टैक्स भरते हैं उनके जेब से पैसे जाने वाले। ऐसा काम जो है यहां पर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो इनको जरूरत नहीं थी इंफ्रास्ट्रक्चर की, सब इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों पर जो है रोक लगाने का काम इन्होंने किया, क्योंकि घर के बाहर ये निकलते नहीं थे, इनको इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत ही नहीं थी। एक गए ढाई सालों में जो है एक अलग रिकॉर्ड जो है इस महाराष्ट्र में प्रस्थापित हुआ। निशिकांत जी, मुख्यमंत्री, ढाई साल में एक नया रिकॉर्ड यहाँ पे बनाया कि ढाई साल में सिर्फ ढाई दिन मंत्रालय जाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है हमारे मुख्यमंत्री जी ने बनाया था। ऐसा काम जो है यहाँ पर गए ढाई साल में शुरू था। आज कुछ लोग जो है यहाँ पर, मैंने सुना परसों भी, कह रहे थे कि गद्दार लोग के बीच में जो है यहाँ पर अमित शाह जी बैठे हैं। मुझे पूछना है इनको कि 2019 में जब भी आप इलेक्शन लड़े तभी आप किसकी फोटो लगाकर जो है इलेक्शन लड़े, और किसके अलायंस में जो है आप लोगों के सामने वहां पर गए, और लोगों ने 2019 में जो है मैंडेट जो है शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी को जो है मैंडेट वहां पर दिया था। लेकिन चुनाव के बाद ऐसी परिस्थिति बन गई कि इनको लोग ने लगा कि अभी मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, और बाला साहब के विचार क्या होते हैं, हिंदुत्व के विचार क्या होते हैं, उसको कौन पूछता है। तो आज जो है गठबंधन की सरकार जो है एमवीए वहां पर प्रस्थापित की, हिंदुत्व के विचार जो है उसको बेचने का काम, बाला साहब के विचारों से दूर जाने का काम जो है इन्होंने किया। यहां पर चुनाव के दरमियान एक यहां पर मुझे बाला साहब जी का जो कहते थे वो मैं यहां पर कहना चाहूंगा। मैं शिवसेना की कभी कांग्रेस नहीं होने दूंगा, अगर ऐसा हुआ तो मैं मेरी दुकान जो है यहां पर बंद कर दूंगा यहां पर। और वो कहते थे कि चुनाव में दरमियान आप एक दूसरे को गालियां देते रहते हैं और चुनाव के बाद गठबंधन करते हैं तो लोगों के सामने किस मुंह से आप जाएंगे, ये मैंने ये बाला साहब कहते। तो इन्होंने भी ऐसा ही किया, चुनाव एक के साथ लड़ा और फिर उसके बाद चुनकर आने के बाद जो है अपनी कुर्सी के लिए जो है आपने सभी विचार जो है आज विचार बाजू में रखकर एक अलग अनैतिक सरकार जो है वहां पर बनाई। समाप्त कीजिए सर, खत्म करो जी। यहां पर कभी किसने सोचा नहीं था कि कांग्रेस के साथ कभी शिवसेना का गठबंधन होगा, सपने में भी कभी निशिकांत जी कभी किसी ने सोचा नहीं था, लोगों ने भी सोचा नहीं था। लेकिन लोगों के साथ, मतदारों के साथ जो है सही मायने में गद्दारी करने का काम जो है इन सभी लोगों ने, जिसने सरकार बनाई उन्होंने किया। 13 करोड़ लोगों के साथ, 13 करोड़ वोटर के साथ जो है गद्दारी इन्होंने की। हमने तो बाला साहब के विचारों को आगे लेके जाने का काम यहां पर किया। यहां पर इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के साथ भी इन्होंने अलायंस किया, जिन्होंने जो है कार सेवकों पर जो है गोलियां चलाने का काम किया। आज उनके हाँ यस, आज हनुमान चालीसा, आज हनुमान चालीसा भी पढ़ने पर जो है महाराष्ट्र में निशिकांत जी ले रोक थी। जो हनुमान चालीसा, मुझे पूरी हनुमान चालीसा आती है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि सत जो लोक जागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुबेसा, गानन कुंडल कुंचत केसा, हाथ बज्रो दुगावराजे, कान दूज जनेऊ साजे, कंच शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजन मंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करे विभु आतुर। चलिए पूर्ण कीजिए। हम बाला साहब के विचारों पर चलने वाले लोग हैं, हिंदुत्व पर चलने वाले लोग हैं। यहाँ पर सिर्फ नाम लेकर जो है हिंदुत्व का नाम खाली नहीं लेते हम लोग यहाँ पर जिन्होंने जिनको जो है हनुमान चालीसा यहाँ पर पढ़नी थी उनको सर उनको जेल में डाला गया सर। आपको जब मौका मिलेगा आप बोलिए ना अपनी बात। उनको जेल में डाला गया और उनके ऊपर देशद्रोह का आरोप जो है वहाँ पर लगाया गया।
जो सावरकर के विचारों पर हमारी शिवसेना पार्टी बनी। अब बैठिए, शिवसेना पार्टी बनी, प्लीज बैठिए। और शिवसेना पार्टी बनी और सावरकर के विचारों को जो है बाला साहब भी मानते थे। आज जो लोग जो है सावरकर जी को गाली यहाँ पर देते हैं, बड़ा बुला कहते हैं, और उसके साथ में जो है आज उनके गोदी में जाकर बैठने का काम जो है, ये पाप जो है कुछ लोग यहाँ पर कर रहे हैं। यही इंडिया है इनकी। पत्रकारों को जो है जेल में डालने का काम यहाँ पर किया, और ये डेमोक्रेसी बचाने का काम अभियान जो है यहाँ पर चला रहे। सर खत्म कर रहा हूं सर। आज यहाँ पर मुझे कहने में बहुत ही यहाँ पर शर्म आ रही है कि कोविड के समय जब भी पूरा देश जो है कोविड से लड़ रहा था, यहाँ पर एक तरफ जो है प्रधानमंत्री जी यहाँ पर लोगों को वैक्सीन मिले, लोगों को ऑक्सीजन मिले इसलिए लड़ रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ जो है मुंबई में इस कोविड के दरमियान जो है भ्रष्टाचार कैसे हो इसकी व्यूहरचना लड़ करने का काम जो है कुछ लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और बहुत ही शर्म के साथ सर खत्म कर रहा हूं, बहुत ही शर्म के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि बीएमसी इतनी बड़ी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसके पूर्व महापौर पर जो है एफआईआर दर्ज हुई। क्यों दर्ज हुई? क्योंकि बॉडी बैग हमने थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 350 रुपया में खरीदे, वही बॉडी बैग जो है 6719 रुपया में खरीदने का पाप जो है इन लोगों ने यहाँ पर किया, इसलिए एफआईआर जो है इन पर हुई। जी 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 सीएम बस अब अंतिम वाक्य बोल दीजिए सर। अंतिम कर रहा हूं जी। तो मुझे लगता है कि आज यहाँ पर सही मायने में जो लोगों को चाहिए वो सरकार जो है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो है यहाँ पर स्थापित हुई है। तो आज गए एक सालों में जो है अनेक ऐसे कार्य जो है यहाँ पर महाराष्ट्र में हुए है। मेट्रो के 350 किलोमीटर के रेल लाइन्स हो, ट्रांस हार्बर लिंक हो, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन हो, यूनिवर्सल हेल्थ केयर को बढ़ाकर जो है 1.5 लाख से 5 लाख हम लोग ने किया। शासन अपलाधारी इसके माध्यम से जो है लोगों को 1.5 करोड़ से ज्यादा बेनिफिशियरीज यहाँ पर बनाए। महिलाओं को बस में जो है 50% कम दामों में जो है वहां पर सफर। अपला दवा खाना जो है सर खत्म करो सर लास्ट वन। एक सेकंड, कंक्लूजन में सर ये कहना चाहूंगा कि सभापति महोदय औरंगजेब ने संभाजी महाराज की हत्या की, लेकिन 70 सालों में औरंगाबाद का नाम बदलने का काम हिम्मत जो है इन कांग्रेस में नहीं हुई, लेकिन गई एक साल में जो है औरंगाबाद का नाम बदलकर जो है संभाजी नगर करने का काम किया, और उस्मानाबाद का नाम बदल कर जो है धाराशिव किया। तो मैं डिंपल जी मैं सर 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 मैं लास्ट लाइन तो मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करते हुए, छत्रपति संभाजी महाराज की स्मृति को याद करते हुए, हिंदुहृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए शिवसेना विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करती है। धन्यवाद। जय हिंद। जय महाराष्ट्र।